झारखंड का ये दुर्भाग्य ही रहा है कि झारखंड में हर एक नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रह जाती है, जिसको देखते हुए झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, सड़कों पर बैठकर कहीं ना कहीं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि जेएसएससी की ओर से जितने भी विज्ञापन अब तक जारी हुए हैं उसमें कई त्रुटियां हैं। इसके साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि जेएसएससी की ओर से जेई की परीक्षा ली गई थी सितंबर अक्टूबर महीने में, लेकिन अब तक परिणाम प्रकाशित नहीं हुए हैं, जिसको देखते हुए अभ्यर्थी काफी परेशान हैं और सिर्फ एक ही सवाल आयोग से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जेई की जो परीक्षा ली गई थी उसके परिणाम प्रकाशित कब होंगे। कई बार अभ्यर्थियों की ओर से जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किया गया। 15 दिसंबर को राज्य भर के अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचे थे और जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किए थे। अलग अलग विषयों को लेकर जरूर वो लोग वहां पर पहुंचे थे और वो लोग उम्मीद भी जताए थे कि शायद अध्यक्ष नीरज सिन्हा से उनकी बातचीत हो पाएगी, लेकिन ऐसा उस दिन भी नहीं हुआ था। जेएसएससी की ओर से जेई की परीक्षा ली गई थी और जेई की भी अभ्यर्थी लगातार जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी अभ्यर्थियों ने कहा था कि आयोग की ओर से उन्हें आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द परीक्षा जो अभ्यर्थियों ने दिया है उसका परिणाम प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन अब तक परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ है। लिहाजा अभ्यर्थी बीते दिनों भी जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन आयोग की ओर से ये कहा गया कि ऐसा कोई भी आश्वासन आयोग की ओर से नहीं दिया गया था कि रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। अब इसको सुनने के बाद अभ्यर्थी काफी परेशान है और आक्रोशित भी है। उनका कहना है कि आखिर अब हम लोग क्या करें, लेकिन इनकी ओर से रणनीति बनाई गई थी कि अगर 29 जनवरी से पहले रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा तो 30 जनवरी को राज्य भर के अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचेंगे, जेएसएससी कार्यालय जाएंगे और घेराव भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो रणनीति इनकी ओर से बनाई गई थी उसे स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अभ्यर्थी 30 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय का घेराव नहीं करेंगे। दरअसल अभ्यर्थियों ने कहा है कि 4 फरवरी को दो दो परीक्षा आयोजित की गई है, एक तो सीजीएल की परीक्षा, और आप लोगों को पता होगा कि पिछले 8 सालों से सीजीएल की परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी, लिहाजा इसको भी लेकर अभ्यर्थी परेशान थे, हताश थे। लेकिन अब 4 फरवरी का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सीजीएल की परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसके बाद गेट की भी परीक्षा 4 फरवरी को है, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है इसकी तैयारी करने में जुट चुके हैं। तो अभ्यर्थियों ने कहा है कि फिलहाल इस प्लानिंग को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आगे उनका जो आंदोलन है वो चालू रहेगा, यानी कि आंदोलन जो है वो तेज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने पहली अल्टीमेटम दे दिया था कि 29 जनवरी को अगर परिणाम प्रकाशित नहीं होगा तो ये लोग एक बार फिर से जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। लेकिन 4 फरवरी के बाद अब अभ्यर्थियों की ओर से क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी वो भी बात हम आपको बताएंगे, वो भी अपडेट हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल जेई के अभ्यर्थी काफी परेशान है और सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आखिर अब हम लोगों का क्या होगा, आखिर परिणाम प्रकाशित कब होगा। इसके साथ अभ्यर्थियों ने ये भी कहा था कि कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर महीने में ही परिणाम प्रकाशित हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अभ्यर्थी अब आगे क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, और जैसे ही वो कुछ रणनीति बनाएंगे हम अपने दर्शकों को वो भी बात बताएंगे, वो भी अपडेट देंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी तपेश को दे इजाजत, नमस्कार।